वेलकम बैक। दिवाली आ रही है तो इंडसइंड बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड होल्डरों के लिए एक ऑफर निकाला है जिसमें आपको 20,000 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। जो आपको बेसिक रिवार्ड पॉइंट मिलते थे उनके अलावा आपको बोनस के रूप में 20,000 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। मैं हूँ धीरज, आप देख रहे हैं टेक धीरज। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें जिससे आने वाला हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम से आप तक पहुँचता रहे। अगर आप इंडसइंड बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपको SMS या फिर मेल के माध्यम से एक लिंक आया होगा, वहां पर आपको रजिस्टर्ड करना है इंडसइंड बैंक के फेस्टिवल सीजन ऑफर के लिए। वहां पर अगर आप रजिस्टर्ड करते हैं तो आप एलिजिबल होते हैं इस ऑफर को लेने के लिए। यहां पर आपको 20,000 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे एज ए बोनस, जो कि आपके जो बेसिक रिवार्ड पॉइंट आपके क्रेडिट कार्ड पर मिलते थे उनसे अलग होंगे। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से 1 अक्टूबर से लेकर 10 नवम्बर के बीच में स्पेंड कर देते हैं 75,000, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 9,500 रिवार्ड पॉइंट एज ए बोनस। अगर आप इस टाइम पीरियड के भीतर अपने क्रेडिट कार्ड से 2,75,000 रुपये स्पेंड कर देते हैं तो वहाँ पर आपको मिलेंगे 20,000 रिवार्ड पॉइंट एज ए बोनस। जो बेसिक रिवार्ड पॉइंट आपको मिल रहे थे वो तो आपको मिलेंगे, साथ में आपको ये 20,000 रिवार्ड पॉइंट और मिलेंगे। ये ऑफर उन लोगों को मिलेगा जिनके पास मेल या SMS के माध्यम से नोटिफिकेशन मिला है और उस पर आपने रजिस्टर्ड किया है, तब आपको ये ऑफर मिलेगा। स्क्रीन पर जो आपको कैटेगरी दिख रही है, इन सभी कैटेगरी को जो बोनस अचीवमेंट का क्राइटेरिया है 2,75,000 उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। इनके अलावा जो भी कैटेगरी है सबको आपके 2,75,000 स्पेंड क्राइटेरिया में काउंट किया जाएगा। तो आपको ये ऑफर जो मिलेगा 1 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में ये ट्रांजेक्शन करने होंगे, तब आपको ये बोनस रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू अलग अलग क्रेडिट कार्ड पर अलग अलग होगी, तो उस हिसाब से आप काउंट कर सकते हैं अपने रिवार्ड पॉइंटों की वैल्यू जो आपके पास क्रेडिट कार्ड है।